नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष को लेकर। और बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत हम जिस विषय को पढ़ने जा रहे हैं वह है पाठ्यक्रम की परे भाषा को लेकर। पाठ्यक्रम की परे भाषा के अंतर्गत हमारा जो ये प्रश्न पत्र है वह है चतुर्थ प्रश्न पत्र। और साथियों, इस चतुर्थ प्रश्न पत्र का जो इकाई है द्वितीय, जो कि भाषा विकास को लेकर है। इस भाषा विकास की इस इकाई में हम जिस प्रकरण का अध्ययन करने जा रहे हैं वह प्रकरण है यहाँ पर भाषा अध्यापक के शिक्षक के लिए भाषाई दक्षता। साथियों, बिल्कुल सत्य है कि शिक्षक के लिए, जब शिक्षक बालकों को पढ़ा रहा है या भाषा का शिक्षक है, तो उसकी अपनी भाषा पे अधिकार किस प्रकार से होना चाहिए या उसमें भाषा संबंधी कौन कौन सी ऐसी दक्षताएं हैं जो उनमें होनी आवश्यक हैं, क्योंकि अध्यापक सभी दक्षताओं एवं कार्य कुशलताओं से परिपूर्ण होते हैं। लेकिन साथियों, जो भाषा का शिक्षक है उसमें कुछ ऐसे गुणों का जो होना आवश्यक है या नितांत आवश्यकता है, जो अन्य शिक्षकों की तुलना में भाषा शिक्षक से बालकों की सीखने सिखाने और विभिन्न सिद्धवृत्तियों के विकास में, उनके सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के संवर्धित करने में, उनके विकसित करने में भाषा शिक्षक से कुछ अपेक्षाएं अधिक की जाती हैं। तो ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो शिक्षक में सामान्य रूप से होने चाहिए, तो उन शिक्षक या अध्यापक में होने वाले सामान्य गुणों की जो अपेक्षा मतलब समाज करता है, तो वो ऐसे कौन कौन से गुण हैं जिनको हम यहाँ पर हमने दर्शाया है। तो आज की इस वीडियो व्याख्यान में हम इन्हीं गुणों का पर चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों, हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से अपने इस व्याख्यान पर चर्चा करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हमने भाषा का संपूर्ण ज्ञान तो हमने पढ़ लिया था, जिसमें भाषा का संपूर्ण ज्ञान, जिसमें भाषा को तीन भागों में विभाजित किया गया है। एक तो भाषा का साहित्यिक पक्ष, एक है काव्यशास्त्र और एक है भाषा का जो व्याकरणिक पक्ष है। तो तीन स्तरों पर अध्यापक को ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा का संपूर्ण ज्ञान उसे इस प्रकार से होना चाहिए कि जिसे भाषा उसका अपने विषय का वो ज्ञाता होना चाहिए, और साथ साथ में उसको भाषा के उद्भव है, विकास है, इसका इतिहास किस प्रकार से रहा है, इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। साथ में भाषा की लिपि चिन्हों, भाषा की जो व्याकरण किस प्रकार से रहा है या फिर लिपि में किस प्रकार के सुधार हुए हैं, कौन कौन से आयोग बने हैं, उन सभी के बारे में अध्यापक को जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में अगला जो बिंदु है, यहाँ पर साहित्य का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अब साथियों, साहित्य का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, इसमें बिल्कुल बात सत्य है कि साहित्य का संपूर्ण ज्ञान किस प्रकार से होना चाहिए। तो साहित्य का ज्ञाता हो, साहित्य का जैसे एक साहित्य को जैसे हम माने, तो साहित्य के जो हर साहित्य के जो काल विभाजन किए गए हैं, तो काल विभाजन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में किस प्रकार से किए गए हैं, प्राचीन काल क्या था, मध्ययुगीन काल क्या था और आधुनिक काल क्या था, और वर्तमान में उसकी जो रूपरेखा है, उसकी आधारभूत पृष्ठभूमि है, वो किस प्रकार से विद्वानों के द्वारा दी गई है। तो साथ में साहित्य की पृष्ठभूमि, उसका उद्भव एवं विकास, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि हिंदी साहित्य का जो विकास है वो वैदिक, हमारी जो हिंदी की जो जननी भाषा है वो है संस्कृत। संस्कृत का जो विकास होता है ईसा के जन्म से 500 वर्ष पूर्व होता है, और वहाँ पर ईसा के जन्म से 1500 वर्ष पूर्व की बात करें हम, तो वहाँ पर वैदिक संस्कृत पाई जाती है। और वैदिक संस्कृत के संस्कृत की दो रूप है, एक तो वैदिक संस्कृत जिसमें वेदों की रचना की गई है, और दूसरी है लौकिक संस्कृत जो उस समय आम जन के बोलचाल की भाषा हुआ करती थी, वो कहलाती थी लौकिक संस्कृत। उसके बाद में आती थी पाली भाषा, संस्कृत के बाद में आती थी पाली, पाली जो बौद्ध के देशों को बताती हैं। फिर आती थी प्राकृत, प्राकृत के बाद में जो भाषा आई है पाली के प्राकृत, उसके बाद में आई थी अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश के बाद में आती है अवट, और अवट के बाद में आती है पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी में जो की बात आती है अभी वर्तमान हिंदी जो हम पढ़ रहे हैं। तो इतने कालखंडों के बाद में भाषा हिंदी का विकास होता है। तो उसके बाद में उसका उद्भव एवं विकास किस प्रकार से रहा, उसमें कौन कौन सी विभिन्न प्रवृत्तियां आई, किस प्रकार से कौन कौन से विद्वानों ने उसमें अपने हिंदी भाषा को अपने वर्तमान स्वरूप में लाने का प्रयास किया,
तो ये तमाम सारी जानकारी होनी हमें जरूरी है, क्योंकि तो भाषा अपने जैसे हिंदी भाषा अनेक काल जो कालखंडों से गुजरती हुई आई है, जैसे कि हिंदी भाषा ने वैदिक रूप भी वैदिक रूप से भी निकलकर देखा है, अवट की भाषा को भी देखा है, सम्राट अशोक के समय की भाषा में से भी ये गुजरी है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय से भी ये भाषा गुजरी है, उसने मुगलों के इतिहास को भी इसने देखा है, जिसे उसमें फारसी और तुर्की के शब्दों का समावेश हुआ है हिंदी में, और उसी प्रकार से ब्रिटिश काल को भी देखा है तो बहुत से ऐसे ब्रिटिश शब्दों का समावेश भी हिंदी में हो गया है। ब्रिटिश के बाद में जब हिंदी में ब्रिटिश के शासन के समय जब फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापना होती है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज में वहाँ पर उसमें थोड़ा सा उर्दू का जो कोई शब्द है या उर्दू की जो एक लहजो लवाज है वो वहाँ पर आ जाता है। तो इतने सारे विभाजन को देखते हुए हिंदी आगे बढ़ती है। तो हिंदी का जो उद्भव की पृष्ठभूमि के बारे में शिक्षक को ज्ञान होना आवश्यक है। इसी प्रकार से उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जैसे हम हिंदी की बात करें तो हिंदी का पहला काल जैसे विद्वानों ने माना है आदिकाल, उसके बाद आता है भक्ति काल, भक्ति काल के बाद आता है रीतिकाल, और रीतिकाल के बाद आता है आधुनिक काल, और आधुनिक काल की भी अनेक कालों में विभाजित किया गया है, जैसे द्विवेदी युग है, द्विवेदी जी का युग है, या फिर हम कहें कि भारतेंदु युग है, प्रयोगवाद है, प्रगतिवाद है, नई कविता है, समांतर कान्य आंदोलन है, बहुत सारी ऐसी प्रवृत्तियां आई हैं, छायावाद है, अनेक प्रवृत्तियां हैं ऐसी जिनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जो ज्ञान होना शिक्षक के लिए आवश्यक है। उसके बाद युगीन प्रवृत्तियां, प्रत्येक युग की प्रवृत्तियां किस प्रकार से रही, जैसे हम बात करें आदिकाल की, तो आदिकाल में राशो ग्रंथों की रचना हुई, नाथ साहित्य लिखा गया, सिद्ध साहित्य लिखा गया, तो इस प्रकार की राशो ग्रंथों की रचना हुई, प्राकृत भाषा में जैन ग्रंथों को लिखा गया, दंत कथाएं लिखी गई, जातक कथाएं लिखी गई, या बौद्ध की जो पाली भाषा में जो ग्रंथ लिखे गए, या हम त्रिपिटकों की रचना के बारे में बात करें, तो वो सारी युगीन प्रवृत्तियां हैं। फिर मध्यकाल आता है, या रीतिकाल में किस प्रकार की जो काव्य रचना रही, रीतिकाल में सारी श्रृंगारिक परिकल्पनाओं का समावेश किया, जैसे कि हम बात करें केशवदास की चंद्रिका है, रामचंद्रिका है, जहांगीर चंद्रिका है, या बिहारी सत्संग की बात करें हम तो बिहारी सत्संग भी रीतिकाल में लिखी गई, तो अनेक ऐसे कवि हुए हैं, मतीराम है, मतीराम भी इस युग के कवि हैं, केशवदास हैं, या आलम कहें हम बोधा कवि हैं, ठाकुर हैं, ये अनेक कवि हैं जो रीतिकाल की प्रसिद्ध कवियों में जाने जाते हैं। उसके बाद हम बात करें रीतिकाल के बाद में और भक्तिकाल में, तो हम जानते ही हैं कि हम जैसे भक्तिकाल की दो शाखाएँ हैं, निर्गुण भक्ति मार्ग और सगुण भक्ति धारा, और सगुण भक्ति धारा में दो शाखाएँ हैं, निर्गुण भक्ति धारा की दो शाखाएँ हैं, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, सगुण भक्ति धारा की भी दो शाखाएँ हैं, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो इस तरह से हमें युगीन प्रवृत्तियाँ किस प्रकार से थी, कवि किस प्रकार से थे, उस समय किसका काल था, या उसमें कवियों की अपनी एक लेखन संबंधी प्रवृत्तियाँ किस प्रकार की रही हैं, या अपने उस समय जैसे रीतिकाल की बात कर रहे थे हम, उस समय के जो कवि और आचार्य, कवि अपने आप को आचार्य ज़्यादा मानते थे, तो उनमें पांडित्य प्रदर्शन की एक विशेष बात उनमें थी, और वो अपने आश्रयदाताओं को खुश करना चाहते थे। उसकी बात करें हम बात को रचना एवं रचनाकारों की विशेषताएं, तो उस वक्त की रचनाएं, प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं, और उन रचनाओं की विशेषताएं क्या हैं, उस वक्त के प्रसिद्ध रचनाकार कौन कौन से हैं, उन रचनाकारों की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो इस बारे में जानकारी होना भी आवश्यक है। उसके बाद है साहित्यिक अभिरुचि का संपूर्ण ज्ञान। साथियों साहित्यिक अभिरुचि से बात की जाए तो एक भाषा के अध्यापक में साहित्यिक अभिरुचि का होना नितांत आवश्यक है। यदि वो स्वयं उसमें साहित्यिक अभिरुचि का विकास नहीं होगा तो वो अपने बालकों, अपने विद्यार्थियों या फिर अपने पाठकों में कभी भी साहित्य के या काव्य के रसास्वादन को उत्पन्न नहीं कर सकता। कि काव्य का रसास्वादन किस प्रकार से हम काव्य के रसानुवाद की अनुभूति कर सकते हैं, रस की अनुभूति कर सकते हैं, तो वो पाठकों में ऐसी भावना को जागृत कभी नहीं कर सकता, क्योंकि स्वयं की उसमें रुचि नहीं होगी तो वो अपने पाठकों और या विद्यार्थियों में रुचि किस प्रकार से उत्पन्न करेगा। तो सबसे पहले तो उस भाषा शिक्षक को उस काव्य में, साहित्य में रुचि उत्पन्न करनी होनी चाहिए। और वित्तीय पत्रिकाओं का, जैसे विद्यालय स्तर पर हम जैसे दीवारों पर वित्तीय पत्रिकाओं का आयोजन लगा सकते हैं, या विद्यालय का जो हमारा एक बुलेटिन बोर्ड है, या फिर हम कह सकते हैं कि विद्यालय का नोटिस बोर्ड है,
ऐसे बोर्डों पर अच्छे अच्छे पत्र पत्रिकाएं या काव्य रचनाएं बालकों के द्वारा की गई हैं, तो उस पर भी उनको चिपका कर बालकों के लिए हम ज्ञान को संवर्धित कर सकते हैं। तथा विद्यालय पत्रिका, विद्यालय संबंधित पत्रिका निकाले हिंदी भाषा का शिक्षक, तो उसमें बालकों की या अन्य अध्यापकों की रचनाओं को उसमें प्रकाशित करवाया जाए, तो इससे बालकों में शिक्षा, बालकों में साहित्य के प्रति रुचि निश्चित रूप से जागृत होती है। वाचनालय तथा पुस्तकालय, अति वाचनालय और पुस्तकालय में बालक हर विद्यालय में होना अति आवश्यक है, क्योंकि वाचनालय या पुस्तकालय को हम विद्यालय का एक हृदय मानते हैं, क्योंकि बालकों की जो उनकी रोचकता से संबंधित या रुचि संबंधित जितनी भी पुस्तकें हैं वो वहाँ मौजूद होती हैं, और हर आयु वर्ग के व्यक्तियों के अनुसार होती हैं, बालकों के लिए भी, उनके शिक्षकों के लिए भी, या अन्य व्यक्ति जो जिस विषय से संबंधित है उन सभी के विषय के अनुसार उसमें पुस्तकें होती हैं। तो हर विद्यालय में शिक्षक, भाषा शिक्षक का दायित्व बनता है कि वो अपने विद्यालय स्तर पर पुस्तकालय की पहुंच प्रत्येक बालक के लिए होनी चाहिए। वो केवल एक कह सकते हैं कि औपचारिकताएं पूर्ण करने के लिए विद्यालय में पुस्तकालय का न रखा जाए, वो किताबें बालकों के साथ में होनी चाहिए, बालकों के हाथ में होनी चाहिए, बालक उनसे सीख सके, तभी पुस्तकालय होने की सार्थकता विद्यालय में होगी। उसके बाद में है भाषा के गौरव एवं दायित्व की भावना। साथियों, भाषा के गौरव एवं दायित्व की भावना के बारे में मैं बात करूं तो ये बात बिल्कुल सही समझ में आती है कि हर भाषा का अपना, क्योंकि हिंदी जो भाषा है हमारी वो हिंदुस्तान की केवल एक भाषा नहीं है, एक मातृभाषा नहीं है, बल्कि हमारी राजभाषा भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को एक राजभाषा के रूप में घोषित किया, और उस दिन से हम प्रत्येक वर्ष एक राजभाषा के रूप में मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हमारे संविधान की 22 भाषाएं हैं, उसमें हिंदी भी हमारी राजभाषा है। तो हिंदी के अब सबसे बड़ी हम हिंदी वासियों के लिए, हम हिंद देश के निवासियों के लिए सबसे बड़ी विडंबना है कि इतने कालखंडों के बाद भी आज भी हिंदी उस स्थिति से निकलकर राष्ट्रभाषा के स्तर पर नहीं पहुंच पाई है। ये हम सब लोगों के लिए एक विडंबना है। लेकिन साथियों, प्रत्येक हिंदी शिक्षक के लिए बात कहूँगा मैं कि हर भाषा शिक्षक के लिए, यदि हिंदी भाषी शिक्षक है और हम हिंदी पढ़ने वाले हैं, हिंदी मानने वाले हैं, हिंदी है हिंदुस्तान की मतलब जान है हिंदी, और हमारा हर भारतीय की पहचान है हिंदी, तो हिंदी को, इसके प्रचार एवं प्रसार को लेकर प्रत्येक अध्यापक को, प्रत्येक व्यक्ति को इसके लिए प्रचार एवं प्रसार करना चाहिए, और हिंदी को हमेशा अपना एक पूरे विश्व स्तर पर दर्जा दिलाने का प्रयास करना चाहिए, और इसके अधिक से अधिक प्रचार एवं प्रसार के लिए मतलब हमेशा एक प्रयास करते रहना चाहिए। मैंने साथियों एक पत्रिका के माध्यम से पढ़ा कि जो भारत की जो देशों के विदेश में भी, जैसे चीन है, अमेरिका है, वहाँ पर ऐसी 8 यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जहाँ पर केवल हिंदी पढ़ाई जाती है, और वहाँ के लोगों ने हिंदी पढ़ने के लिए मतलब बहुत सारे प्रयास किए। तो ऐसे लाखों विद्यार्थी हैं जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वास्तव में उन लोगों के जज्बे को सलाम है, और हम कह सकते हैं कि हिंदी पढ़ने वाले हैं, हिंदी जानने वाले हैं, हमारी मातृभाषा भी हिंदी है, तो हम हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए कोशिश करें और अपने हिंदी को अपना दर्जा दिलाएं। तो आज के साथियों इस वीडियो व्याख्यान में इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।